नमस्कार। सर्वाइकल का दर्द, ये गर्दन का, कंधे का दर्द बड़ा ही आजकल आम हो चुका है और इस दर्द की वजह से जो है वो हमें चक्कर आना, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, बहुत हैवी हो जाता है तो ट्रीटमेंट जो हमारा चलता है, न्यूरो के डॉक्टर हैं उनको दिखाना या जहां भी जो इसके विशेषज्ञ हैं उनको दिखाना। लेकिन योग में हम क्या कर सकते हैं? योग के माध्यम से हम अगर बिना किसी बड़े ऑपरेशन के, बिना किसी बड़ी दवाइयों के अगर रह सके तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है। तो कुछ कुछ बातें मैं आपको बताता रहता हूं जिससे आपको बड़ा सुकून भी मिलता है और आपकी बातें जब आती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है। तीन क्रियाएं मैं आपको पिलो के साथ, ये जो हमारा मसंड होता है, मस्कद होता है, ये अगर हम कमर के पीछे रखकर कुछ क्रियाएं करें, ये रखने का कोई कारण है वो मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर का डायमेंशन, जब हम दीवार के सहारे कोई क्रिया को करते हैं तो दीवार के प्रेशर से हमें कुछ दबाव मिलता है। सीधा बैठ के हम लोग कुछ क्रियाएं नहीं कर पाते तो दीवार के सहारे में और थोड़ी दूरी बना के रखने के लिए इस पिलो का जो है वो हम काम में लेंगे। तो कैसे करना है, देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहली जो क्रिया है, आप देखिए साइड में मैं थोड़ा दिखाऊं आपको कि ये जो पिलो है इसके बीच में देखिए जगह कितनी है। गर्दन को हम जब साइड में घुमाते हैं नॉर्मली तो इस तरीके से घुमाते हैं, लेकिन ये पीछे थोड़ी जगह को अगर हम काम में लें तो कैसे लेंगे? पीछे सिर को दीवार के पास टिकाएं। देखिए, जो सर्वाइकल होता है तो यहां सूजन आती है, ये सूजन को कम करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाना ही तो मूल काम है हमारा। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर तरीके से पहुंचाया जाए तो मुझे लगता है कि हम उसमें सुकून प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से सिर को पीछे दीवार के पास ले गए, तकिया हमारा लगा हुआ है यानी सपोर्ट लगा हुआ है, तो सपोर्ट लगने से हमें थोड़ा, क्योंकि सर्वाइकल में आगे झुकना मना होता है लेकिन पीछे अगर सपोर्ट के साथ झुका जाए तो मुझे लगता है कि उसका लाभ ज्यादा मिलेगा। तो पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए हमने गर्दन को टच किए हुए, दीवार के टच रहेगी और पीछे जितना आप ले जा पाए श्वास छोड़ते हुए, ये हल्का हल्का ले जाना, श्वास छोड़ते हुए लेके जाना, श्वास भरते हुए। अगर आप यहां पर रुके, पांच गिनती तक रुके, शुरू शुरू में अभ्यास करना है, पांच गिनती तक रुकना, फिर दस गिनती तक रुकना, जितना ज्यादा रुकेंगे इफेक्ट उतना ही ज्यादा आता है। श्वास छोड़ते हुए वैसे ही लेफ्ट साइड में इस तरीके से, और सिर को थोड़ा दीवार की तरफ दबा के रखना, आप देखेंगे बड़ा अच्छा सुकून सा यहां पर इन नसों में ब्लड सर्कुलेशन, मूल बात है गर्मी पहुंचना, ब्लड सर्कुलेशन पहुंचना। ऐसे ही श्वास भरते हुए सामने और श्वास छोड़ते हुए बहुत ही आराम से करना, सिर को पीछे दबाना। पीछे जब आप दीवार के सहारे सिर को दबाएंगे तो आपका पूरा इफेक्ट जो है गर्दन के पीछे के हिस्से में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, ऐसा आप पांच पांच गिनती का तीन बार कर लीजिए, फिर धीरे धीरे देखिए पहले दिन आपको करने के बाद में कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आगे बढ़िए, अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर उस क्रिया को मत करिए। तीन क्रियाएं हैं, तीन में से जो आपको सूट ना करे वो मत करिएगा। नंबर दो, दो नंबर क्रिया में ये पिलो को आप बीच में कमर के पास ले लीजिए और सिर को पीछे दीवार पे लगाइए, पीछे लगाकर और इस तरीके से दबाइए। सिर, केवल सिर के ऊपर हमारा जो है वो वजन रहेगा। देखो, ये सिर को दीवार पे लगाया इस तरीके से, दीवार पे लगा के, और केवल सिर जो है वो प्रेशर में रहेगा दीवार के सहारे। सिर प्रेशर में रहेगा तो आपको एकदम से यहां पर खुलती हुई नसें महसूस होंगी। बस आराम से करना, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बहुत भयंकर जो है खिंचाव नहीं, बहुत आराम से बस सिर के ऊपर वजन देना है श्वास भरते हुए। पिलो जो है वो आपका निकल के नीचे हो जाएगा, आपका सिर जब एकदम सही तरीके से दीवार के पास लगेगा। ये भी पांच गिनती तक करना, श्वास भरना छोड़ना पांच गिनती तक करें और रिलैक्स करें। पुनः श्वास भरे और दीवार के सहारे करें, पांच गिनती करें और श्वास छोड़े, रिलैक्स। ये हमारी दो नंबर क्रिया। तीन नंबर क्रिया, पिलो को वापस खड़ा कर लीजिए ऐसे और हाथों को ग्रिप करिए। अब देखिए, आमतौर पर हम क्या करते हैं कि हाथों को ग्रिप करके और एक दूसरे को ऐसे दोनों तरफ खींचते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हाथों को ग्रिप करके दीवार के एकदम सहारे चले जाइए और कोहनियों को दीवार के ऊपर चिपका दीजिए। कोहनी और हमारे हाथ का पीछे का हिस्सा यानी सिर के पास वाला हिस्सा दीवार के एकदम पास में चिपक जाएगा।
ये आपको एक सपोर्ट मिलेगा। देखिए सपोर्ट के साथ, प्रोप्स के साथ कोई चीज की जाती है ना, तो उसका जो फायदा है वो हमें ज्यादा मिलता है, और उसके फायदे से आपको आनंद की अनुभूति और अच्छी मिलती है, क्योंकि आपको किसी ने करवाया है। वो भले ही सजीव ना हो, निर्जीव चीजें ही हो, लेकिन वो जैसे इसमें क्या कौन करवा रहा है, दीवार करवा रही है और साथ में पिलो, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देती है। सपोर्ट से आदमी को आनंद मिलता है, वो भले मुसीबतों में हो और चाहे शारीरिक तकलीफ में हो, चाहे योगिक क्रियाओं में हो। यहां श्वास हल्का लेते रहे छोड़ते रहे, जब आपको लगे थकान सी हो गई तो हाथों को आराम से नीचे ले आइए। ये क्रिया, तीन क्रियाएं आपको बताई है सपोर्ट के साथ। इससे क्या होगा कि आपको अगर ज्यादा तकलीफ भी है तो सपोर्ट की वजह से आपको उसमें ज्यादा खिंचाव प्रेशर नहीं आएगा। इसके बाद में यहीं पर बैठे बैठे आराम से बैठे रहे 15 मिनट, अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें, ये आपको जरूर करना चाहिए और ये आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा, और भगवान ने चाहा तो आप जल्दी अपने आप को ठीक कर पाएंगे। देखिए मैं ये नहीं कहता कि एक दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आप धीरे 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 इन मसल्स को मजबूत करेंगे तो एक दिन आपको लगेगा कि अरे वाह क्या बात है, मेरी ये मसल्स बहुत अच्छी फील हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन लगातार करना पड़ेगा, नियमित रूप से करने वाली क्रिया, ये दवाई नहीं है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को रोज साफ करने वाली क्रिया है। तो नियमित रूप से जीवन को आप स्वस्थ बनाएं, ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।